आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अत्यंत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की लड़ाई में हमें एक बहुत अहम सुराग मिला है, जिस पर आज हम लोग बात करेंगे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयासरत हैं। कई देशों में इससे लड़ने के लिए दवा और टीके को बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। हालांकि अब कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ वैज्ञानिकों को एक नई जुगत नज़र आ रही है, और उसी जुगत में एक बड़ा ही अहम सुराग हाथ लगा है, और उसका नाम है डिकॉय प्रोटीन। डिकॉय प्रोटीन या लुभाने वाला प्रोटीन आप इसे कह सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोविड-19 रोग पैदा करने वाला वायरस शरीर में फेफड़ों और वायुमार्ग की कोशिकाओं के सतह पर रिसेप्टर के द्वारा प्रवेश करता है, जिसे हम ACE2 रिसेप्टर कहेंगे। और आप इसे याद रखिएगा, ये रक्त प्रवाह में प्रवेश द्वार उपलब्ध कराने के साथ संक्रमण को सुगम बनाते हैं। अब वैज्ञानिक चाहते हैं कि वायरस को लुभाने के लिए इसकी नकल इंजेक्ट की जाए, ताकि वायरस फेफड़ों के उत्तकों तक आने के बजाय इसी दवा में चिपक जाए। यह जो प्रयोग है, यह भ्रमित करने पर आधारित है। यह कोरोना वायरस को भ्रमित कर देगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर के शोधकर्ताओं की माने तो ऐसा प्रोटीन विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया है, जो न सिर्फ ACE2 का नकल है, बल्कि वायरस के लिए और भी ज़्यादा आकर्षक है। डेली मेल लिखता है कि इसके पीछे सिद्धांत यह है कि वायरस शरीर में जैसे ही प्रवेश करेगा तो वह ACE2 की नकल वायरस को भ्रमित कर देगी और उसे यह सोख लेगा, जिससे कोविड-19 के लक्षण विकसित होने की रोकथाम होगी। इस नज़रिए को इस विकराल महामारी के खिलाफ उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या है ACE2 रिसेप्टर, जिसकी बात आज वैज्ञानिक कर रहे हैं। ACE2 रिसेप्टर पूरे शरीर की कोशिकाओं के सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन फेफड़ों और वायुमार्ग में पाए जाने वाले ये रिसेप्टर कोरोना वायरस के खास निशाने पर होते हैं। शरीर के अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले ये रिसेप्टर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE को कंट्रोल करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के काम आते हैं। यह एंजाइम हृदय और रक्त प्रवाह से जुड़ा है। हालांकि फेफड़े के भीतर इसके कार्य को लेकर कोई विशिष्ट जानकारी अभी वैज्ञानिकों के हाथ नहीं लगा है। संक्रमण क्षमता को रोकने की भरपूर शक्ति हमारे इस डिकॉय प्रोटीन के अंदर है। कुछ अन्य वैज्ञानिक यह चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस के लिए प्रभावी तौर पर रास्ता ही बंद कर दिया जाए और इसके लिए ACE2 से ही छुटकारा पा लिया जाए, लेकिन इसके खतरनाक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर के प्रोफेसर निक ब्रिंडल कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि वायरस को बांधने के लिए एक आकर्षक डिकॉय प्रोटीन बनाकर उसकी संक्रमण क्षमता को ही रोक दें और कोशिकाओं के सतह पर मौजूद रिसेप्टरों के कार्य को संरक्षित कर दें। दरअसल होता यह है कि फेफड़े की कोशिकाओं के रिसेप्टरों तथा अन्य उत्तकों को हाईजैक कर वायरस पूरे शरीर में फैल जाता है। वैसे अब तक के शोध में काफ़ी सकारात्मक प्रारंभिक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। जैसे कि स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट तथा कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के शोधकर्ताओं के इस अवधारणा के सकारात्मक प्रारंभिक परिणाम मिले हैं। टीम ने लैब में मानव कोशिकाओं में अनुवंशिक रूप से संवर्धित ACE2 का घुलनशील रूप भी इस्तेमाल किया है, जो ACE2 के मार्ग को बाधित कर देता है और जिससे प्रारंभिक चरण में वायरस का बढ़ना पूरी तरीके से रुक जाता है। अगर हम सेल जनरल में प्रकाशित शोध की माने तो HRS-ACE2 SARS-CoV-2 की वृद्धि को रोक देता है, जो सेल कल्चर में 1000 से 5000 गुना तक कम हो सकता है। कोरोना हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। जनरल साइंस मैगजीन के हिसाब से और जर्मन शोधकर्ताओं का ये मानना है कि कोरोना वायरस मानव शरीर में प्रवेश के लिए रिसेप्टरों पर ही निर्भर करता है। वैज्ञानिकों ने 2002 के सार्स आउटब्रेक के दौरान भी पाया कि सार्स वायरस के भी मानव शरीर को भेदने में ये रिसेप्टर ही काफ़ी अहम रहे। उल्लेखनीय है कि
सार्स और कोरोना वायरस आपस में बहुत ही करीबी हैं। चूंकि यह बात सामने आई है कि ACE2 रिसेप्टर वायरस की एंट्री का पॉइंट है, इसलिए वैज्ञानिक इसे ही वायरस को रोकने के लिए एक हथियार बनाने के तरीके खोजने के लिए बेचैन हैं। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको जानकारी दी है इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।